हे गाइस, वेलकम टू जेरी फिशर्स गार्डनिंग। गाइस, आज हम सुपर फूड माइक्रोग्रीन्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग से हम लोग स्प्राउट्स का यूज करते रहे हैं और यही स्प्राउट्स जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनमें कुछ लीव्स आ जाती हैं और थोड़ा उसका स्टेम बड़ा हो जाता है, तो ये माइक्रोग्रीन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है इस टाइम। तो आप इससे अपने सैंडविच, सलाद या सूप में भी इसको यूज कर सकते हैं, उसका फ्लेवर, टेक्सचर और कलर बढ़ाने के लिए। इसे आप पिज्जा, सूप, सैलेड, सैंडविच सब में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। इसमें पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। मार्केट में माइक्रोग्रीन्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो मैं आपको इन्हें घर पे ही लगाने की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रोग्रीन्स लगाने का इजीएस्ट वे है आपका किचन। अब अपने किचन के कुछ डब्बे खोलिए, उनमें सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं और कुछ मूंग लिए हैं, देखिए चना लिया है, सरसों ली है, मेथी ली है और थोड़ा सा गेहूं लिया है। इसके अलावा आप ब्रोकली, अमरंथ, रेडिश, पालक और चाहे तो और वेजिटेबल्स के सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो इजीली अवेलेबल हो जाए आप सबसे पहले उनसे ट्राई कीजिए। तो मैं इन सारे सीड्स को लेकर के, और उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप ये छोटे से मिठाई के जो डब्बे आते हैं, या आपके घर में ऐसे कोई भी फ्री डब्बे पड़े हों तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ मिठाई के डब्बे रखे हुए थे और कुछ छोटे डब्बे और रखे थे, तो मैंने इन्हें यूज़ कर लिया है। आप इनमें सिंपल सी मिट्टी डाल करके और थोड़ा सा कंपोस्ट डाल करके आप इन्हें तैयार कर सकते हैं, और इस मिट्टी को फिर आप काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले ये सरसों जो मस्टर्ड है इसे लगा रही हूँ। इसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसके सीड्स भी छोटे होते हैं, तो आप इसे किसी छोटे पॉट में लें और सिर्फ ऐसे ही स्प्रिंकल कर दें इस सीड्स को, और ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी से कवर कर दें। तो ये बस इसको लगाना इतना इजी है, बस ये ऐसे स्प्रिंकल करके रख दीजिए। अब मैं लगा रही हूँ मेथी। मोस्टली सभी वेजिटेबल्स, हर्ब्स और स्पाइसेस के माइक्रोग्रीन्स बनाए जा सकते हैं। केवल कड़वे या बिटर टेस्ट वाले को आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी सभी चीज़ों के माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं। ये मेरे सारे लग रहे हैं। केवल मैं चना और मूंग, थोड़े ये हार्ड होते हैं इसलिए इनको हम एक काम करेंगे कि इसको एक दिन पानी में भिगो करके और फिर नेक्स्ट डे लगा दें, या फिर थोड़े से स्प्राउट्स हो जाए उसके बाद लगा दें। तो यहाँ मैं ये थोड़े गेहूं को कर रही हूँ, इससे वीट ग्रास बनेगी जो कि बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये भी कहा जाता है कि कैंसर अगर किसी को हो तो उसे इसका जूस बना करके दिया जाए, तो ये बहुत बेनिफिट देता है उसमें। तो अब हम ये सारे जितने भी सीड्स हैं इनको हल्का सा मिट्टी से कवर कर देंगे और इसे हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके, और उसके बाद इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे थोड़ी सी गर्म जगह हो और सनलाइट ना आती हो, तो अंधेरी वाली जगह पे रखेंगे, जिससे ये 2-3 दिन में, या मोस्टली 3 से 4 दिन में, मौसम अगर सही नहीं है तो 3 से 4 दिन में ये ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद इसे हमको थोड़ी सनलाइट में लाना पड़ेगा, तो सनलाइट के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने बालकनी में या किचन की विंडो में 1-1.5 घंटे की अगर सनलाइट आती हो तो भी चलेगा, तो वहाँ पे आप इसे रख दें और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसे दें, और इसे लीड को जैसे मैं कवर करके और बाकी को पेपर से कवर करके इसे रख दूंगी। यहाँ देखिए, मेरे मूंग और चने के जो स्प्राउट्स बन गए हैं, अब मैं इसे ऐसे ही ग्रो कर दूंगी तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए, मेथी का हो गया है, लेकिन अभी इसको हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लीव्स नहीं आई है। जो ट्रू लीव्स आती है इसके अंदर अभी 2-3 लीव्स आने लग जाएगी, उसके बाद हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, चना भी बहुत अच्छा हो गया है, और इसका आप चाहे तो चटनी बनाए, सलाद बनाए, और ये देखिए वीट ग्रास कितनी अच्छी हो गई है। वीट ग्रास को लिए हम एक आइडिया और है कि हम इसे 4-5 ऐसे गमलों में लगा दें, गमले यानी इसे छोटे पॉट में लगा दें, और उसके बाद क्या करेंगे कि हर 2 दिन के डिफरेंस के बाद में उसमें गेहूं डालें, तो वो जैसे आज हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया और इसका जूस बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉट हमारा तैयार रहेगा तो हम नेक्स्ट डे भी पी सकते हैं। तो आप इसे कंटिन्यू यूज ला सकते हैं, 6-7 गमलों में लगा लें आप, तो 7 दिन तक के लिए आपके पास जूस इजीली अवेलेबल हो जाएगा।
ब्रोकली और वीट ग्रास, ये दोनों के जो जूस होते हैं उसमें ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि ये इनमें कैंसर फाइटिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही सारे जो जितने माइक्रोग्रीन्स हैं इनमें हार्ट डिसीज जो है उसकी रिस्क कम करते हैं, साथ ही इम्यून सिस्टम जो है उसे बूस्ट करते हैं, और कैंसर सेल को तो डेफिनेटली अटैक करते ही हैं। आई साइट को भी इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्दी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, और गट हमारी जो डाइजेस्टिव गट है उसमें जो प्रोबायोटिक होते हैं माइक्रोब्स उनको भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये, तो इस टाइप से ये हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो आप इन्हें लगाइए, एन्जॉय कीजिए। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।